जलाल बाबा जब बनाने लगा था तो मिस्त्री को बोला, उस टाइम में तो मस्जिद का कोई निशानी नहीं था, हाँ, तो ऐसे कान पकड़ के मिस्त्री को बोला, इधर आसमान में देखो, हाँ, तो यही नक्शा मिला था मिस्त्री को आसमान से। हेलो भाई दोस्तों बुजुर्गो, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल इसाक फिशरीज पे। तो आज हम आए हैं पंडुआ शरीफ में, तो यहाँ पे जो चिल्ला खाना है और मज़ार है, पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, पूरा नज़ारा आपको हम दिखाएंगे। अंकल जो है वो यहाँ पे उरुस के टाइम पे पूरा जो खाना बनाने का काम है वो पूरा करते हैं। तो आपके टीम में कितने लोग हैं? मतलब टीम में 12 आदमी। 12 आदमी, 12 आदमी मिलके इतना सारा करते हैं। कितना कितना किलो का? 72 मन। 72 मन, हाँ। अच्छा, उसमें खिचड़ी बनता है और पुलाव बनता है और गोश्त बनता है। तो यहाँ पे जो है पूरा उरुस के टाइम पे पूरा पकाना, हाँ हाँ, होता है यहाँ पे, होता है उरुस में। अलाउद्दीन अली शाह ने 1342 में ये चिल्ला खाना बनाया था। वो दरबार गए थे, हाँ हाँ हाँ, हाँ, कुतुब बाबा का वो ये चिल्ला खाना है, हाँ, वहाँ से वो आकर के यहाँ चिल्ला करता था। पंडुआ बड़े दरगाह का भी वीडियो हमारे चैनल में है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने सारे कबूतर है वो ये सब छोड़ा जाता है ना? नहीं नहीं, वो ऐसे ही बढ़ते जाएगा, मरते जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ, सब यहीं पे, यहाँ का। और वो बिल्ली खाएगा, कोई कोई आदमी नहीं खाएगा इसको। आदमी नहीं खाए? नहीं, ये होता है जलाल बाबा का साथी। अच्छा, हाँ, ये जे जहाँ जहाँ वो किया, यहाँ पर्दा दिखाया, इनका मजार हो गया, आगे जाके जलाल बाबा का साथ है। ये मस्जिद है? मस्जिद नहीं है, मस्जिद का ऐसे ही साइड में मस्जिद था, अभी नमाज नहीं पढ़ता है। अच्छा अच्छा, अंदर चिल्ला खाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, कदम रसूल है अंदर, नबी का हमारा पैर का निशान है। हाँ, निशान है, पता चिल्ला। ये भंडार है, दाना पानी चावल चावल रखने का उरुस में ये भंडार है, हाँ। अरे हाँ, अच्छा, यही पे का है, यही पे चिल्ला लगाते थे। हाँ, एक चिल्ला यहाँ है। अच्छा, ये है आपका जलाल बाबा का शेख सैयद साहबुद्दीन सरवर्दिया है, इनका चिल्ला खाना है। जलाल बाबा का ऊपर है, उसी का मदरसा में जलाल बाबा इबादत किया था, और अंदर है जलाल बाबा का चिल्ला खाना। अच्छा, हाँ, और इस तरफ कुछ है बाहर का? हाँ, बाहर निकलने के लिए उधर भी ये एक गाछ है, इसमें चमड़ा है सिर्फ, हड्डी नहीं है इसमें। हड्डी नहीं है मतलब अंदर में हड्डी रहता है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, देखिए लीजिए। अच्छा, पूरा पूरा खाली है फिर? हाँ, अंदर पूरा खाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, फिर भी मतलब इसमें सब कटहल, हाँ, आ रहा है, आ रहा है, फल फूल इसका सब हो रहा है। कोई तैयारी नहीं कर सकता है, बहुत आदमी ले जाता है, हाँ, लेकिन बनता नहीं, बनता नहीं, नहीं यही खा लो। हाँ, अच्छा अच्छा, आप जो लगा के पेड़ लगाओगे नहीं होएगा? नहीं होएगा, नहीं होगा। हमारा गाछ इतना बड़ा होके भी मर गया।
अच्छा अच्छा, आपने अपने ट्राई किया था ऐसा लगाए थे? लगाए थे, बिच्ची फेंक दिए थे, गाछ हो गया था, नींबू का पेड़ के ऊपर हुआ था, और अभी इतना बड़ा गाछ तो हो गया, इतना मोटा था गाछ। अच्छा अच्छा, मन्नत मांगता है, जो मन्नत करता है हाँ, इसको सूता बांधता है, जिसका मन्नत पूरा हो जाता है वो आगे एक सूता खोल देता है। अच्छा अच्छा हाँ, यहाँ मन्नत करता है। ये मेहंदी का गाछ? हाँ, मेहंदी का पेड़ है, मेहंदी है। ये कलंदर है हाँ। जलाल बाबा जब बनाने लगा था तो मिस्त्री को बोला, उस टाइम में तो मस्जिद का कोई निशानी नहीं था हाँ, तो ऐसे कान पकड़ के मिस्त्री को बोला, इधर आसमान में देखो हाँ, तो यही नक्शा मिला था मिस्त्री को आसमान से, यही नक्शा आसमान में मिला था। मिस्त्री का कोई कैसा, किसको मस्जिद बोलता है, किसको चिल्ला बोलता है उसको मालूम नहीं हाँ, तो उसको कान पकड़ के ऊपर दिखाया आसमान में, तो यही नक्शा उसको मिला। उसके बाद उन्होंने ये बनाया, चिल्ला खाना है, चिल्ला खाना बनाया हाँ। इसका पानी से बाबा का फाफिया होता है हाँ। फकीरी सिलसिला है यहाँ, कोई मुफ्ती मौलाना फाफिया नहीं कर पाएगा हाँ, वो फकीर करेगा हाँ। इन लोग को सीधा मिलता है, हुक्का तम्बाकू दावल चावल तेल आटा जितना कुछ सामान लगे, बैठने का बिछाने का सोने का, उन लोग का चौक है, छठ चौक है यहाँ उधर रास्ते के किनारे। अच्छा अच्छा हाँ, आप छोड़ के आए हैं। अच्छा, तो उधर छठ चौक है जहाँ पे वो चौक है बैठते हैं हाँ, वो यहाँ से सीधा ले जाएगा, वहाँ खाएगा रहेगा। अच्छा। हाँ, और उन लोग फातिया भी वही लोग करेगा, मतलब कोई इमाम साहब कोई मौलाना कोई मुहद्दिसी आकर के फातिया नहीं कर पाएगा। एक कदम रसूल है, उसमें कदम मुबारक है, ये बाबा का आशा है, उधर भी है, उधर भी चिल्ला खाना है बैठने का। उस पर हाँ हाँ, वो जो पाखिर है हाँ हाँ, वो कब्रिस्तान है। अच्छा अच्छा हाँ, वो हाई स्कूल है ये वाला हाँ, हाँ। ये निका पीर बाबा का मट्टी में है हाँ। वो स्कूल भी हाई स्कूल भी हाँ। वो मतवाली का हाथ से अच्छा। ये हमारा गांव का कमेटी ले लिया है हाँ। ये उरुस गांव वाला चलाता है अभी अच्छा। 4 साल से पहले तो वो 22,000 वाला हाँ हाँ हाँ, वो काम स्टेट हाँ। तो वो अपने नाम पर सब जमीन करता है हाँ, बोलता है हमारा बाप का है। अच्छा अच्छा हाँ, इसीलिए गांव वाला बोले तुम्हारा बाप का तो नहीं है, पीर बाबा का है हाँ। वो भी सब किसको वो मालदा कचहरी था, वो अपने बाप के नाम में कर दिया, कैसे जो किया अल्लाह जाने। अच्छा, ये सब मुझे खाना है, ये सब बाबा लोग जो चिल्ला से निकालते थे ना हाँ। बैठ के उजू बनाते थे। अच्छा अच्छा हाँ, उसका अंदर भी मजा रहे, चांसा कतवाल बोलते हैं। चांसा कतवाल हाँ, बाबा का सेवक हाँ, एक नंबर सेवक। बड़े मजार का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जाके जरूर देखिएगा उस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।